Finlandia, Amerika, Arokin, en, daha da. Ne sen bunu vardı? Gebeşim ki yok ki kören. Sen kendime probleme giren bunu. Nasıl ya kireme kavur? Ha kiret yok mu gebeşim götürüp ama? Gebeşim öyle. Ama olup gidemem bunu. O kalk direkt. स्वागत है जी आप सभी लोगों का नए व्लॉग में। और मैं अभी बुखारा उज़्बेकिस्तान में हूँ। बुखारा में मैं रुका था इस यूनिवर्सिटी में, ये जो MBBS यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं इसके हॉस्टल में मैं रुका था। और रुका भी कैसे था, मैं रुका था यहाँ पर चुपके से और मैं दो दिन यहाँ रुका। और अब टाइम आ गया है खिवा जाने का, खिवा उज़्बेकिस्तान। खिवा यहाँ से 446 किलोमीटर की दूरी पर है। इस समय टाइम जो हो रहा है वो रहा आपका 2:30। अब आप सोच रहे हैं कि 500 अराउंड 450-450 किलोमीटर में जा रहा हूँ वो भी इतनी लेट। उसका रीज़न ये है यार, कल रात को मैं वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, मैं सोचा था कि पूरी रात भर वीडियो एडिट करूँगा और सुबह आराम से उठूँगा और अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा। बट दिक्कत ये हुई, सुबह के 6:30 बजे ही मैं सो गया। जब सुबह के 6:30 बजे ऐसा सोया और वीडियो भी एडिट नहीं कर पाया, अपलोड भी नहीं कर पाया, तो वो सारा कुछ करने में अब मुझे यहाँ से 2 से 2:30 बज गए हैं और यार काफ़ी लेट हो जाऊँगा पहुँचते। और मैंने जो अपना सामान उमान था वो परसों से वहीं एक शॉप पे रखा हुआ है परसों रात से, तो पहले वहाँ से सामान उठाऊंगा। यहाँ से 450-400 मीटर की दूरी पर है, पहले सामान उठा लेता हूँ फिर बाकी बातें आगे करेंगे। वो जो सुपरमार्केट आपको दिख रही है सामने, कार्बन सुपरमार्केट, वहाँ मेरा बैग रखा हुआ है, मुझे वहाँ से बैग उठाना है। शायद यहाँ तो मुझे लग रहा है यही दुकान है, तो चलते हैं इसके अंदर। अच्छा यहाँ से एंट्री, गलती से यार ब्यूटी पार्लर में घुस गया था। और इधर क्या है, ये तो दवाइयों की दुकान है यार, कहाँ गया भाई। भाई बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। आराम से 40 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, इतनी तेज़ धूप। और ये वाली टोपी से तो धूप कवर भी नहीं हो रही है, राउंड वाली कैप लगाऊंगा तो वो सहारा होगा। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। जून में कभी मत आना भाई उज़्बेकिस्तान में, जून और जुलाई बिल्कुल सीज़न बेकार है आने के लिए। आराम से सेप्टेम्बर के टाइम आओ, ऑटम के टाइम, या तो आप आओ जनवरी फरवरी मार्च में, यहाँ पर मार्च से मई के बीच में। यार लोकेशन पर तो मैं आ गया हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा, दुकान नहीं मिल रही है, दुकान कहाँ पर है। अरे यहाँ वाईफाई लिया मैंने इन भाई से, और लोकेशन इस तरफ की नहीं, सामने की दिखा रहा है, मुझे उस तरफ रोड पार करके जाना पड़ेगा। हाँ के एंड हो गई है लेकिन दुकान यहाँ पर है ही नहीं। दुकान ये बैठे भाई सब दुकान के बाहर, पॉलिथीन और मेरा बैग। थैंक यू माय बैग। अब जी बैठा हूँ बस स्टैंड पर, और अगर पानी की बात करूँ तो पानी कहीं 25 रुपए लीटर मिलता है, कहीं 50 रुपए लीटर मिलता है, तो ये अलग अलग रेंज है। 25 रुपए शुरुआत हो जाती है, और भाई आपके कजाकिस्तान में तो 100-100 रुपए तक की पानी की बॉटल है एक लीटर की, वो भी शायद 30 रुपए से 30 से 35 रुपए शुरुआत होती है कजाकिस्तान में। मैंने लिखा है खिवा जहाँ मुझे जाना है, बेपुल हायदाश इल्तुमोस का मतलब फ्री राइड प्लीज। इस हिचहाइकिंग में थोड़ा सुकून रहने वाला है क्योंकि जो खिवा का जो रूट है वो यही रूट है, सीधे जाना है, मतलब मुझे कहीं आउटर में नहीं जाना पड़ा क्योंकि मैं ऑलरेडी आउटर में हूँ और जो MBBS यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आउटर में ही है, तो मुझे यहीं से बस रोड पार करनी है और बस हिचहाइकिंग शुरू कर देनी है। तो जी टाइम आ गया है हिचहाइकिंग शुरू करने का, 3 बज गए हैं, 6.5 घंटे का सफ़र है, 446 किलोमीटर की राइड है। अब देखो भाई कितने बजे पहुंचता हूं। वैसे ये जो स्पॉट है काफ़ी सही स्पॉट है क्योंकि यहां पर और भी गाड़ियां वगैरह खड़ी हुई हैं, तो बसें वगैरह भी यहां पर रुक रही हैं, तो जितनी भी गाड़ियां जो खिवा जाने वाली होंगी वो स्लो डाउन हो जा रही हैं, तो स्लो डाउन होने की वजह से ज़्यादा गाड़ियाँ रुकेंगी और अच्छा पॉसिबल रेट है। वैसे हिचहाइकिंग करने में कोई खास दिक्कत तो नहीं हुई, राइड्स जल्दी मिल जाती हैं, बट एक ही थोड़ी दिक्कत है टेम्परेचर की क्योंकि बहुत हाई है। यहाँ से 42 किलोमीटर की दूरी पर बुखारा डेजर्ट है जहाँ पर कोई स्पा रिजॉर्ट है शायद, ये तो बढ़िया है। और कोई क्या है ये खोजा उबोन आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट भी है। अभी तो एक ही राइड मिली, आप तो स्टॉप नो हाउ कुदा। All right.
आधा घंटा हो गया खड़े खड़े, अब यहाँ के बैठा हूँ मैं। सबसे पहले ये सीनियर मुझसे बात करने आए, इनकी है टैक्सी, उनके साथ में जो यंग वाले भाई जी खड़े हैं इनकी है गाड़ी, और ये रूट से जा ही रहे थे, बस ये बोर्ड देख के मेरा रुक गए। तो ये दोनों आए हैं मुझसे अब एक साथ बात करना चाह रहे हैं और थोड़ा झगड़ भी रहे हैं। जी समझ में नहीं आया हुआ क्या। सबसे पहले सीनियर वाले भाई साहब आए थे मुझसे पूछने के लिए कि हाँ मैं आपको ले जाऊंगा फ्री राइड, तो फिर वो बाद में यंग वाले आए, फिर मैंने कहा चलो जो पहले आया मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ और उनके साथ ही चला जाता हूँ। लेकिन फिर बाद में जब मैं उनके साथ गया फिर मुझसे कह रहे कि 1.5 लाख सोम लगेंगे आपके, मतलब 1000 के अराउंड मैं लूँगा आपको खेवा छोड़ने के। तो मैंने कहा नहीं भाई रहने दो। देखो जी भाई ये भी एक्सपीरियंस होना था। डेढ़ घंटा हो गया यार खड़े खड़े, अभी तक कोई सहारा नहीं दिख रहा। मैं जी आया हूँ उस रेस्टोरेंट में पानी लेने के लिए, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, 22 रुपये लीटर मुझे पानी मिला है 3000 सोम का, और ये दुकान वाले भाई सबको इकट्ठा कर रहे हैं और मेरे रिगार्डिंग चर्चा करवा रहे हैं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं क्या करने जा रहा हूँ। अगर आप भी मेरी तरह हिचहाइकिंग करना चाहते हैं या बजट ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो जो भी आपका प्लान है, जितने दिनों के लिए आप रोड पर हैं या ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो अपने बारे में एक ब्रीफ मैसेज बना के रखिए लोकल लैंग्वेज में। दरअसल होता ऐसा है कि काफ़ी लोग आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, तो आप उनकी लोकल भाषा में एक मैसेज पहले से तैयार रखेंगे और उनको आप दिखा सकते हैं भाई ये है मैं ये हूँ और मेरा ये सब मुझे करना चाहता हूँ। ये भाई साहब जो वाइट शर्ट में खड़े हुए हैं इनकी है शेयर टैक्सी और इन्होंने बोला है कि मेरी हिचहाइकिंग में हेल्प करेंगे, मुझे खिवा तो नहीं छोड़ेंगे लेकिन खिवा के पास में कहीं छोड़ देंगे, और अभी ये सवारियाँ इकट्ठी कर रहे हों, जब इकट्ठी हो जाएंगी फिर हम यहाँ से निकलेंगे। एक या 1.5 घंटा मैं सो गया होऊंगा और अभी हम रुके हैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर चाय कॉफी। सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। इतनी तेज धूप आ रही है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सूरज के कितने पास हम आ गए हैं, मतलब अभी 7 बज रहे हैं। बोलो यार अभी तशी कॉफी आज खबर गया। जिन भाई साहब की है शेयर टैक्सी उन्होंने मुझे ऑफर करी है कॉफ़ी, और ये जो सवारी इसमें बैठी हुई है इन्होंने ऑफर करा है मुझे केक। कॉफ़ी विद केक खा के कश्मीर की याद आ गई, कश्मीर में बहुत ज़्यादा कॉफ़ी केक चलता है। आप जब से मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं आपने चारों तरफ देखा ही होगा कि हर तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। अगर मैं आपको बताऊं तो उज़्बेकिस्तान 70-80% पूरा डेजर्ट से ही घिरा हुआ है। अगर आपको ये फैक्ट नहीं पता तो उज़्बेकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है कॉटन का, और कॉटन को यहाँ पर वाइट गोल्ड बोला जाता है। जैसे इंडिया कश्मीर में हर तरीके का ड्राई फ्रूट्स को उगाया जाता है, वैसे ही उज़्बेकिस्तान में भी आपको हर प्रकार का ड्राई फ्रूट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। गाड़ी की स्पीड आप देख ही रहे हैं 130-140 अभी एवरेज चल रही है, जब रोड इतनी ज़्यादा खुली हो तो गाड़ी भी क्यों ना भागे। उज़्बेकिस्तान की पॉपुलेशन 35 मिलियन है। अब जी गाड़ी भरवा लेते हैं थोड़ी गैस। से
सेंट्रल एशिया में गैस काफी सस्ती है, मात्र 18 से 25 रुपए में गैस भर जाती है। अंकल जी अब मुझे उस तरफ जाने के लिए कह रहे हैं, तो जी बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। जो एक सवारी आगे जा रही है, अंकल जी की गाड़ी से उतरे हैं और ये मुझसे कह रहे हैं कि जाके सामने यूर्त देखो। पहले का नोमैडिक लाइफस्टाइल था, पहले सोचो इसी तरीके से लोग बना के रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, इसको चेंज करते रहते थे। इनका एक तरीके से टेंट होता था, कुछ परमानेंट भी होते थे और कुछ टेम्परेरी भी होते थे। वहाँ से वो एक गेट है इसका, लेकिन अंदर कहाँ से जाऊँ, पूरा ही बंद कर रखा है भाई। ऑलमोस्ट आधा डिस्टेंस अंकल जी ने कवर कर लिया है। इतनी देर से ना ना फाइन 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 पेप्सी ची नहीं ठीक ची ची फाइन फाइन कोला पेप्सी पेप्सी नो 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 ऑल गुड नो 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 अरे यार अभी आपका हाउ मच सोम स्पेस में सोम ऑल्टर 65,000 सोम का ये जूता बेच रहे हैं भाई साहब, तो आपके हो गए इंडियन 464 रुपए के आसपास। मुझे लगा अंकल जी ने सिर्फ कॉफी ली है, लेकिन साथ में दो कोल्ड ड्रिंक की बोतल और ले ली है, वो भी अलग अलग। इससे पहले भी कोल्ड ड्रिंक मैं पी चुका हूँ, फिर से अंकल ने दोबारा ले ली। जनरली जब लोग यहाँ पर आपसे मिलेंगे तो वो आपको दोनों कंट्रीज का नाम मेंशन करेंगे, पाकिस्तान या हिंदुस्तान। अब दोनों भाई अलग अलग देश के एक जैसे ही लिखते हैं, तो फिर लोग भी इसी तरीके से ही पूछते हैं। वैसे तो उज़्बेकिस्तान की सड़कों पर लोग गाड़ी 120-130 की स्पीड पर चलाते हैं, लेकिन जब कोई पुलिस का चेक पोस्ट आता है या कोई गांव आता है तो वहां पर स्पीड कैमरास लगे होते हैं, तो गाड़ी की स्पीड 80 या 90 की हो जाती है। फिर कजाकिस्तान की पॉपुलेशन 20 मिलियन है, तो कजाकिस्तान में स्पीड कैमरास तो नहीं होते हैं रोड पर, लेकिन उज़्बेकिस्तान में काफ़ी जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तुर्कमेनिस्तान का बॉर्डर यहाँ से मिलता है, मुश्किल से 30-40 किलोमीटर इधर जाके पूरा तुर्कमेनिस्तान है। अब हम ख्वाज़िम रीजन में एंटर कर रहे हैं। अंकल जी ने लगा ली है अपनी सीट बेल्ट। यहाँ पर भी वही यही सिस्टम है, सीट बेल्ट तभी लगाते हैं लोग जब पुलिस का साया होता है। अगर आपने कराकल पाकिस्तान के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, कराकल पाकिस्तान ऑटोनॉमस रीजन है उज़्बेकिस्तान का, जिसकी अपनी खुद की सरकार है। इवन वहाँ का झंडा भी अलग है उज़्बेकिस्तान से, थोड़ा माइनर डिफरेंस है बस, ज़्यादा नहीं। और वहाँ की कैपिटल नुकुस है। मेरा प्लान तो है वहाँ जाने का नुकुस भी, लेकिन वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे टाइम मिले या सिचुएशन ऐसी बने कि मैं नुकुस जाऊँ। जितना बुखारा खिवा से दूर है, उतना ही बुखारा नुकुस से दूर है। ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का सफर पूरा हो गया और 150 किलोमीटर का रह गया। और आप मेरे मैप में देख रहे हैं कि लेफ्ट से मुझे दिखा रहा है खिवा की ओर, लेकिन अंकल जी ने सीधा गाड़ी ले ली है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा अब ये किस तरह से आगे जाएंगे और फिर कहाँ को अपनी गाड़ी मोड़ेंगे। एक घंटा मैं शायद सो लिया हूँ, मतलब वही बीच बीच में नींद आ रही थी, नहीं आ रही थी, प्रॉपर वाली नींद नहीं आई। पाकिस्तान ऑटोनॉमस रिपब्लिका बेरूनी, तो जी हम पहुँच गए बेरूनी और कह रहे हैं सीधा है नुकुस। और इधर तीन भाई आ गए हमारे, उर्गुन जाना है हिंदुस्तान। जन्नत जन्नत।
उरगेंज काफी डेवलप्ड सिटी है, यहाँ पर एयरपोर्ट भी है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिटी है और कैपिटल भी है खोरज़म रीजन की और आती है वेस्टर्न उज़्बेकिस्तान में। पॉपुलेशन यहाँ की ऑलमोस्ट 170,000 है और खिवा जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहाँ पर मुझे जाना है उसकी दूरी यहाँ से 35 किलोमीटर की है। उरगेंज का डेवलपमेंट सोवियत स्टाइल में हो रखा है। अमू दरिया रिवर उरगेंज के पास ही पाई जाती है और अभी तक हमने बुखारा से 450 किलोमीटर की दूरी को तय कर लिया है। अभी हम गाड़ी से उतर गए हैं और अंकल जी कहते हैं चलो मैं आपको पार्क घुमा के लाता हूँ। कजाकिस्तान में मैंने प्रेसिडेंट पार्क विजिट करा था, उसकी भी एंट्री कुछ इस तरीके की थी। इस पार्क का नाम है आमिर तिमूर स्त्री हौत बोगी। बोगी का मतलब बाग या गार्डन भी आप कह सकते हो। ये बच्चों का बना हुआ सिस्टम पूरा और यहाँ जो हम बचपन में खेलते थे कूदने काम। अभी टाइम 11 बज रहे हैं और फिर भी इतनी ज़्यादा चहल पहल है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लोग यहाँ पर सोते नहीं हैं क्या। जी यहाँ पर ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, कज़ाकिस्तान में बहुत ठंड होती है तो ये बेचारे क्या करें। तो गर्मियों में इन्हें टाइम मिलता है इन्जॉय करने का, इसलिए देर रात को यहाँ पर लोग घूमते हैं और इस तरीके से इन्जॉय करते हैं। अंकल जी ने देख लिए कोल्ड ड्रिंक की दुकान, अब फिर से शायद कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। मैं तो वही 3 या 4 बार अंकल जी ने कोल्ड ड्रिंक ले लिए, हर बार मना करता हूँ फिर भी लेते हैं। अरे नो कितना लगा इसको? अच्छा 5,000 सोम मतलब 35 रुपये, 35 रुपये में वाली राइड है। झंडा लहरा रहा है उज़्बेकिस्तान का। साइड हो जाओ, रिक्शे देखो भाई, चलो अब एग्जिट कर लेते हैं। चलो जी अनाउंसमेंट आपको कर देता हूँ। अंकल जी मुझसे पूछ रहे थे आप कहाँ जाओगे, तो मैंने बोला है वो ठिकाना वकाना तो है नहीं, तो फिर कह रहे कि चलो मेरी गाड़ी में आराम करना और इसी में सो जाना और सुबह निकलना खीवा के लिए। तो आज का भाई अपना गोरी बिस्तरा यहीं लगने वाला है इस कार के अंदर तो यहीं पर रेस्ट करने वाले हैं या सोने वाले हैं, जो भी देखो। दिल वाले ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हन, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ले जाएंगे। अरे भाई आज तो यहाँ राइट में 2-3 डिस्को बने हुए, तो अंकल जी मुझसे पूछ रहे हैं क्या डिस्को में जाना है क्या। एकदम भाई मस्त पूरे चिल अंकल जी हैं हमारे। दुनिया है दिल वालों की। अब हम उरगन सिटी से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर आ गए हैं और मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि हम लोग जा कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने खुदा को बोलते हैं मतलब कहाँ, तो कह रहे हैं कि मैं रणछोर जा रहा हूँ। रणछोर, तो रणछोर वर्ड का अंकल जी इस्तेमाल कर रहे हैं। रणछोर आपको शायद पता होगा, वो बंदा जो फार्म को मैनेज करता है, जिसके पास रंच होता है, जिसके पास पशु पक्षी होते हैं जिन्हें पालता है, उससे उसका गुजारा चलता है, तो उसे रणछोर बेसिकली बोल देते हैं। और यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं, ये गाँव है बिश मरगान। अब जी कुछ यहाँ पर गाड़ी को रोक दिया गया है, अंकल जी निकल गए गाड़ी से। चलो जी उतर जाते हैं गाड़ी से। अरे नेम ना था इसके अंदर यार, देखो चलेगा मेम ना लेके अंदर। चलो भाई हम आ चुके हैं विलेज में और विलेज लाइफ को एंजॉय करने वाला व्लॉग बनाएंगे आपके लिए। और क्या क्या है यहाँ पर, ये किसी पेड़ पर पेड़ के पास ले आए हैं और शायद यहाँ के फ्रूट्स वगैरह तोड़ने के, नहीं कौन सा फ्रूट तोड़ के दिया है ये, तो मैंने शायद फेंक गया शायद ये खुमानी है क्या है, ये खुमानी लग रही है, एक तो गिर गई नीचे। बस 5-6 तोड़ ली। यहाँ से इनको धोया जा रहा है फ्रूट्स को। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। इस दवा खुशी 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 हाँ दवा
वाह 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 बस दर्जी दर्जी बफ खुमानी थोड़ी अलग टाइप की है, मतलब इसकी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा शाइनी है। पहले तो मुझे लगा कोई जैसे अचार वगैरह डालने के लिए कोई चीज़ है। थैंक यू वादा वादा रहमत उपते थैंक यू उपते मैं कितनी बुला रखमत पहले तो मुझे लग रहा था कि हम रांचर साहब के घर में ही रुकेंगे मेमने की डिलीवरी करने के बाद। अब हम निकल चुके हैं कहीं और, अब मुझे नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं। 12:30 बज गए हैं और अभी तक सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा। 6-7 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद अब हम इस दुकान पर रुके हैं और आप देख सकते हो कि हमें किसी गाँव में है और एक गाँव में दुकान बनी हुई, कितनी साफ़ सफ़ाई और कितने वेल डेवलप प्लान के अकॉर्डिंग ये दुकान को बना रखा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है अंकल कितनी पेप्सी पीते हैं यार, अभी शायद ही कितनी 1.5 लीटर की पेप्सी फिर ले आए हैं। अरे ये कुछ इस जगह पे गाड़ी पार्क देख रहे हो, 0.5x में कितनी धूल दिखती है। इनका घर है और अभी ये समसा ले लिया है मार्केट से, एकदम गरम गरम समसा है। हाँ समसा ही है शायद। हाशिन हाजिन दे चलो अब जी निकलते हैं। अपना बैग वैग निकाल लेता हूँ यार। अरे यार कीड़े पतंगे भी हो रहे हैं यहाँ तो। मैं अपना बैग यहाँ से निकाल रहा था तो अंकल जी कह रहे हैं बैग इसी में रहने दो। पता नहीं यार यहीं सोएंगे लग रहा ओपन में। अस्सलाम वालेकुम। प्याली को धो लिया, कितनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं यार अंकल, यार समझ में नहीं आ रहा। खुश फोला पे चुने तो सामसा सामसा गिव कम ऑन। चलो इसके अंदर सोने सोया जाएगा क्योंकि ये जी अपना बिस्तर, 3 बोतलें हैं, 2 बोतलें हैं पीने के लिए। तेरे भाई सो रहे हैं।